एवरीवन, आई एम पिंकी सिवाज। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 6, 8 स्टैंडर्ड सीबीएसई। दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। कभी भी हम ऐसा कुछ देखते हैं कि कहीं पर कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, तो हम दिमाग में यही आता है कि हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने कभी देखा भी होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं दे फाइल द रिपोर्ट्स अरेस्टिंग द पर्सन्स। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इज अरेस्टिंग पर्सन्स, वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस who decide whether the person is guilty or not। हम कई बार ये इस मूवीज़ में जैसे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो आरोपी को गिरफ्तार करती है, FIR लिखती है, फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या ये पुलिस ही है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गिल्टी है कि नहीं है। दिस हाउवर इज़ फार फ्रॉम द ट्रू। हाउ आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इट इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द एक्यूज पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। तो जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कोर्ट डिसाइड करता है कि जो आरोपी है वो वाकई में दोषी है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ क्राइम हैज़ टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल। हमारे संविधान के मुताबिक हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर भी किसी भी क्राइम का आरोप लगाया जाता है उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक सही तरीके से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब ये फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, आपने कभी FIR के बारे में सुना होगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी यूज़ ए फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट टू ट्राई टू हाईलाइट द प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये चैप्टर में हम यहाँ पर एक ट्रायल दिखाया गया है चोरी का, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसकी सहायता से हमें ये पता चलेगा कि वाकई में जो भी हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, या फिर जज है, या जो दूसरा वकील हो, डिफेंस लॉयर होता है, उन सबका क्या रोल होता है। सो लेट स्टार्ट हियर इन द स्टोरी बोर्ड। ए स्टोरी हैज़ बिन गिवन ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर एक जो लेडी है, एक अपार्टमेंट है जिसमें मिसेस शिंदे जो है वो रहती है, और वो कुछ घंटों से अपनी गोल्ड चेन को ढूंढ रही है, और वो ये सोच रही है कि उसने उसको ड्रॉअर में ही रखा था। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि उसके घर पे जो काम करने वाली है शांति, उसी ने इसको चोरी किया है, लेकिन शांति ये सबसे मना करती है। उन लोगों ने फिर शांति का जो बक्सा होता है उसमें ढूंढा, तो उसमें 10,000 रुपये उनको मिले। तो इससे उनको लगा कि ये शांति जो है इसने उन पैसों को, उस चेन को चुरा कर फिर उसको बेच के ये पैसे वो लेकर आई है, तो उसके ऊपर उन्होंने चोरी का आरोप लगा दिया। उसके बाद सुशील जो शांति का भाई है वो वहाँ पर पहुँचता है, और क्योंकि पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज करवाई है इन लोगों ने, तो वो ये बताता है कि जो गोल्ड चेन है उन्होंने चोरी नहीं की है। और वो कहता है, पर पुलिस जो SI है वो पूछता है, जो सब इंस्पेक्टर है, कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वो उसको बताता है कि इन जो दोनों भाई बहन हैं इन्होंने मिलकर सेविंग्स की है। उसके बाद जो शांति है वो ये सोचती है, क्योंकि उस FIR दर्ज हो चुकी है, फिर उनका कोर्ट में केस जाने वाला है, लेकिन उन शांति जो है और उसका भाई जो है सुशील, उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक डिफेंस लॉयर को हायर कर सके। इसीलिए जो कोर्ट है, ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड ए बेल टू शांति आफ्टर ए मंथ, शी वॉज अनेबल टू गेट anyone टू स्टैंड श्योरली फॉर हर, फॉर शी देयर फॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल। उसके पास पैसा नहीं है बेल देने के लिए, इसलिए वो जेल में ही रहती है, और शी इज़ वरीड अबाउट वट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जो पुलिस होती है वो उसने चार्जशीट दायर की है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, द कोर्ट गिव्स ए कॉपी, और उसको चार्जशीट की एक कॉपी भी मिलती है। शांति जो है वो कोर्ट को ये बताती है कि उसके पास डिफेंस के लिए, लॉयर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो अपॉइंट करता है कमला रॉय को शांति के डिफेंस लॉयर के रूप में, गवर्नमेंट के खर्चे पर। उसके बाद यहाँ पर मुकदमा चलाया जाता है, और जो डिफेंस लॉयर है उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट में आता है, ही प्रिटेंड्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज एक आई विटनेस, वो आई विटनेस के रूप की विटनेस के रूप में मिसेस और मिस्टर शिंदे को प्रेजेंट करता है। तो ये मुकदमा चलता है, तो बाद में फाइनली क्या होता है
कि यहाँ पर शांति जो है, द जज हियर्स द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल, जितने भी गवाह थे उन सब की गवाहियों को सुनता है जो जज है, और ये सब के बाद जो इंस्पेक्टर शर्मा है, क्योंकि बीच में इंस्पेक्टर शर्मा जो था उसने एक गैंग को पकड़ा था और उस गैंग के पास मिसेस शिंदे की चेन बरामद हुई थी। अब उस गैंग ने बताया था कि इन्होंने ही उसके घर से चेन चुराई थी, तो ये बात साफ़ हो चुकी थी कि जो आरोपी है, जो शांति है, उसने ये चेन नहीं चुराई थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब शांति जो है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको आरोप से मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉम द अबव इंसिडेंट यू कैन सी द फोर की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहाँ पर चार मुख्य प्लेयर्स हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है और जज है। हमने इन सब के जो इन सब ने यहाँ पर जो इस केस में रोल अदा किया उसके बारे में हमने जाना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। अब पुलिस का क्या रोल होता है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, वन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सभी इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन भी हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए जज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहले वन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है पुलिस का वो ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो भी कंप्लेन लिखाई गई है किसी भी क्राइम के अगेंस्ट, एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें वो अलग अलग लोगों के जो विटनेस होते हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती हैं और अलग अलग जो एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस जो होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। पुलिस जो होती है उसको एक ओपिनियन बनाना होता है। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, यदि पुलिस ये सोचती है उसको कि जिस व्यक्ति को आरोप लगाया गया है वो वाकई में दोषी है, तो वो एक चार्जशीट दायर करते हैं कोर्ट में। एज स्टेटेड, जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में कहा गया था कि ये पुलिस का काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, ये डिसाइड करने का काम होता है जज का। उसके बाद हमने यूनिट टू में रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि हर एक जो व्यक्ति होता है वो कानून से बंधा हुआ है, दिस इंक्लूड पुलिस, और इसमें पुलिस भी शामिल है। इसीलिए जो पुलिस जो होती है जब वो इन्वेस्टिगेट करती है, ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो उसको भी कानून के मुताबिक ही चलना पड़ता है विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें कि उसको जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसने एक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे व्यक्ति को अरेस्ट करने के टाइम पे हो, उसको नज़रबंद डिटेंशन के टाइम पे हो, या फिर उनकी इंटरोगेशन के टाइम पे हो। पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, पुलिस जो है ना ही वो टॉर्चर कर सकती है, ना किसी को पीट सकती है, ना ही किसी को शूट कर सकती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। दे कैनॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर प्रिटी ऑफेंसेज, और ना ही वो किसी तरीके की पनिशमेंट किसी भी व्यक्ति को दे सकती है छोटे मोटे अपराधों के लिए। आर्टिकल 22 जो है हमारे संविधान का और जो क्रिमिनल लॉ है, गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन, वो क्रिमिनल लॉ जो होता है हमारा और हमारा संविधान का आर्टिकल 22, वो एक जो भी व्यक्ति है जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसको फंडामेंटल लॉ राइट्स के मुताबिक कुछ चीज़ों की गारंटी देता है, जिसमें क्या क्या है। एक व्यक्ति को बताया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि किस दोष के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, किसी भी व्यक्ति को कस्टडी के दौरान ना ही उस व्यक्ति को जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाना चाहिए, ना ही उसको टॉर्चर किया जाना चाहिए। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी, जो भी किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया, जो भी उसने कन्फेशन किए हैं पुलिस कस्टडी के दौरान, उनको एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं किया जाएगा। एक 15 साल से कम का बच्चा या फिर वुमेन, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा क्वेश्चनिंग के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जिनको पुलिस को फॉलो करना पड़ता है। अब FIR क्या होती है, FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस जो होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करती है, जब उनके सामने कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवाता है। हमारा कानून ये कहता है कि कंपलसरी है किसी भी चार्ज के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाना।
एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, ये जो इंफॉर्मेशन है कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली, या इसको ओरली या इसको राइटिंग में भी दिया जा सकता है। FIR को में यूजुअली क्या मेंशन होता है, डेट होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, जो भी ऑफेंस है उसका डिटेल्स होती हैं, जो फैक्ट्स हैं ऑफेंस की, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, जो भी घटनाएँ हुई हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो FIR होती है। देयर इज़ ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच पुलिस रजिस्टर एंड FIR, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होती है जिसमें पुलिस दर्ज करती है एंड इसको साइन किया जाता है जो कंप्लेंट करने वाला है उसके द्वारा। द कंप्लेंट आल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ FIR फ्रॉम द पुलिस, जो कंप्लेंट करने वाला है उसको इसकी एक कॉपी मिलनी चाहिए, पुलिस जो होती है वो उसको एक कॉपी भी देती है। What is the role of public prosecutor? Public prosecutor का क्या role होता है? A criminal offence is regarded as public wrong. Criminal offence का मतलब क्या है कि जनता के साथ किसी भी तरीके से गलत किया जाना। What is meant by this? का मतलब क्या है? That is, it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole. यहाँ का इसका मतलब ये है कि कोई भी गलत चीज़ की जानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या फिर पूरी सोसाइटी के खिलाफ। डू यू रिमेंबर, आपको एक डावरी डेथ जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सुधा का, जिसमें डावरी डेथ हुई थी, द केस यहाँ पर जो केस था उसमें कौन था आरोपी? लक्ष्मण और उसकी फैमिली थे जिन्होंने सुधा को जला दिया था दहेज के लिए। दिस इज़ वाई द केस वॉज कॉल्ड, इसीलिए जो केस था क्योंकि वो पूरी समाज के खिलाफ था, ना सिर्फ सुधा के और उसकी फैमिली के बल्कि पूरे समाज के लिए वो एक गलत उदाहरण था और पूरे समाज के साथ एक गलत चीज़ थी, इसीलिए जो केस था इसको कैसे बुलाया गया, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर। सिमिलरली वैसे ही जो दूसरा केस था ये स्टेट वर्सेस शांति अब्राम एंड मिस नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति अब्राम, यहाँ पर जो केस था ये स्टेट वर्सेस शांति अब्राम था, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति अब्राम। इन कोर्ट इट इज़ पब्लिक, कोर्ट में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही था जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का इंटरेस्ट प्रेजेंट करता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, मीन्स जो पुलिस ने जो ओपिनियन बनाया है उसको फॉलो करता है। द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस, ये जो रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये तब शुरू हो जाता है जब पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट दायर करती है कोर्ट में। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसका कोई भी रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करने में। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, प्रोसिक्यूटर जो होता है ये मुकदमा किसके बिहाफ पे लड़ता है, स्टेट के बिहाफ पे। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली, क्योंकि ये कोर्ट का ऑफिसर होता है तो इसीलिए इसकी ड्यूटी होती है कि वो इम्पार्शियल रहकर प्रेजेंट करे जो भी फुल मटीरियल हैं, फैक्ट है, विटनेस है, एविडेंस है कोर्ट के सामने, और कोर्ट को हेल्प करे कि वो डिसाइड करे केस के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, अब जो जज होता है उसका क्या रोल होता है? जज जो होता है वो एक एम्पायर के जैसे होता है, जैसे गेम में एक एम्पायर का रोल होता है, उसको जो ट्रायल होता है उसमें इम्पार्शियली उसको कंडक्ट करना पड़ता है। जज जो होता है वो सारे विटनेस को सुनता है, दूसरे एविडेंस को देखता है जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। जज डिसाइड करता है कि जो एक्यूज पर्सन है वो वाकई में गिल्टी है या इनोसेंट है, जो भी एविडेंस उसके सामने पेश किए गए हैं। इफ़ द एक्यूज, जो भी अगर जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, यदि वो जो व्यक्ति है वो आरोपी मतलब दोषी साबित होता है, तो जज जो होता है वो उसको सज़ा सुनाता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, उसको फ़ाइन लगाया जा सकता है, या फिर फ़ाइन भी और जेल दोनों हो सकती हैं, उसको डिपेंड करता है जो भी जो भी कानून प्रेस्क्राइब करता है उसके दोष के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपन इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली, अगर एक दूसरा हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि जज जो है उसने शांति के केस को बहुत ही डिफरेंटली उसने सुना होता तो क्या होता। वट इफ़ द कोर्ट, क्या होता अगर कोर्ट जो होता है वो डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, यदि शांति को ये स्टेटमेंट की कॉपी और विटनेस जो होते हैं वो उसको ना मिले होते, वट इफ़ ही हेल्ड
द ट्रायल इन द सीक्रेट लोकेशन. क्या होता अगर यहाँ पर मुकदमा जो होता वो एक सीक्रेट लोकेशन में सुना जाता जहाँ पर शांति और सुशील दोनों ही प्रेजेंट ना होते. क्या होता अगर शांति को लॉयर ही ना दिया जाता. एडवोकेट रॉय जो है इनफ टाइम टू क्वेश्चन. एडवोकेट रॉय जो है उन्होंने पूरा टाइम लगाया था विटनेस को सुनने में, प्रोसिक्यूशन को सुन सच एज मिसी शिंदे, और उन्होंने मिसी शिंदे से भी पूछताछ की थी. इंस्टीड हैड ऑलरेडी डिसाइड, बिना इस बात को देखे कि शांति को पहले से ही गिल्टी मान लिया जाता. इफ़ दिस हैड हैपन, अगर ऐसा हुआ होता तो कभी भी द के इफ इट वुड बी ए केस ऑफ अनफेयर ट्रायल. तो ये जो केस होता ये अनफेयर ट्रायल माना जाता. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायल टू बी फेयर, क्योंकि जो ट्रायल था उसको सही तरीके से चलाया जाना चाहिए था. सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर, बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर हैं उनको देखा जाना चाहिए. आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान के मुताबिक वो ये गारंटी देता है राइट टू लाइफ स्टेट, जिसमें राइट टू लाइफ दिया गया है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसकी प्रिजन लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. किसी भी व्यक्ति को जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी है उसको तभी छीना जाना चाहिए एक प्रॉपर रीजनेबल लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए. ए फेयर ट्रायल जो है वो इंश्योर करता है आर्टिकल 21 को हमारे संविधान के मुताबिक. लेट अस नाउ, अब हम शांति के केस को वापस देखते हैं. फर्स्ट, सबसे पहले जो शांति है उसको एक कॉपी दी गई चार्जशीट की. दूसरे, एविडेंस को देखा गया. प्रोसिक्यूशन जो है जिसने प्रेजेंट किया उसके अगेंस्ट, शांति जो है उसके ऊपर आरोप लगाया गया था चोरी का. एंड इट वॉज डिफाइंड जो कि हमारे कानून के मुताबिक एक दोष है, क्राइम है एंड द अपराध है. द ट्रायल वॉज हेल्ड, जो ट्रायल था जो मुकदमा था उसको ओपन कोर्ट में रखा गया पब्लिक व्यू के सामने. उसका जो भाई था उसको भी अटेंड करना था कोर्ट की हियरिंग्स को. द ट्रायल वॉज हेल्ड, यहाँ पर जो ट्रायल था उसको जो व्यक्ति है जो दोषी है शांति उसके प्रेजेंस में ही उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और उसको डिफेंड किया गया था एक लॉयर के द्वारा, क्योंकि शांति को एक वो गरीब थी तो कोर्ट ने उसको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड किया था अपने खर्चे पर. शांति का जो लॉयर है एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, शांति के लॉयर को पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्रॉस एग्जामिन करे और प्रोसिक्यूशन विटनेस को. एडवोकेट रॉय जो है उसको दिया गया था पूरी अपॉर्चुनिटी कि वो शांति के डिफेंस में अलग अलग विटनेस को पेश कर सके कोर्ट के सामने. ऑल्दो द पुलिस, यहाँ पर हालांकि जो पुलिस है उसने शांति के खिलाफ चोरी का आरोप जो मुकदमा दर्ज किया था, जो जज है एज्यूम्ड हर, और जो जज है उसने बताया, उसने एज्यूम किया कि वो इनोसेंट है. इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द शांति वॉज गिल्टी, और प्रोसिक्यूशन जो है उसका ये काम था कि रीजनेबल डाउट होते हुए वो ये प्रूव करे कि शांति जो है वो गिल्टी है. इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो, यहाँ पर इस केस में जो प्रोसिक्यूशन था वो ऐसा साबित करने में नाकामयाब हुआ और शांति जो थी वो उसको आरोपी नहीं माना गया, उसको फ्री कर दिया गया. इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि जो जज है वो डिसाइड करता है द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट. जो जज है वो जितने भी एविडेंस जो भी विटनेस उसके सामने पेश किए जाते हैं उसके मुताबिक ये डिसाइड करता है कि वाकई में जो व्यक्ति है वो गिल्ट है या इनोसेंट है. जज जो होता है वो सीधा कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाता सिर्फ ये देखकर कि वो बेचारी मेड सर्वेंट थी, गरीब थी. और इंस्टीड द जज रिमेन, इसके इंस्टीड जो जज था उसको इम्पार्शियल रहना था और जितने भी एविडेंस थे जो भी उसके सामने रखे गए थे उस शांति के खिलाफ उसको इम्पार्शियल होकर इन सारी चीज़ों को देखना था. बाद में शांति को फ्री कर दिया गया. शांति का जो केस था जस्टिस वॉज फाइनली डन, उसमें उसको जस्टिस मिला और क्योंकि उसको एक फेयर ट्रायल मिला था. हमारा जो संविधान है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट, हमारा संविधान और जो हमारा कानून है वो दोनों ही ये कहते हैं ऑल ऑफ द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन ए प्रॉपर मैनर. हमारा संविधान और हमारा जो कानून है वो दोनों ही ये कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर जिनके बारे में डिस्कस किया गया, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, चाहे वो डिफेंस लॉयर है,
चाहे वो जज हैं, उन सबको अपना रोल एक प्रॉपर मैनर में अदा करना चाहिए. व्हाट इज़ दिस मीन दैट दे ऑल नीड टू वर्क टू इंश्योर एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड गेट्स ए फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड. इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो या किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड का हो या फिर उसके कोई भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए यदि उसके वो एक्यूज माना गया है. तो कानून ये कहता है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो कानून के समक्ष समान हैं. इफ़ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हर एक बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक, और हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबर मानना चाहिए और उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. दैट्स इट इन दिस वीडियो.